नहीं, मुझे हाउस अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन मुझे प्रताड़ित किया गया। जिस तरह से कल से ही, परसों से ही पुलिस ने तांडो करना शुरू किया, हमारे कार्यकर्ता श्री राधेश्याम यादव जी जो कटका थाने के हैं, उनके घर में पुलिस जाकर और उनकी बेटी को, पत्नी को गाली देने का काम किया, दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसमें रात भर पुलिस उनका घेर कर खड़ी रही, इसलिए कि वो जिससे लोगों के बीच में ना जा सकें और समाजवादी पार्टी का प्रचार ना कर सकें। परसों से ही उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने का काम किया गया। इसी तरह से आपने शिकायत भी किया है उसको? शिकायत करने के बाद उसका कुछ कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा ही शिकायत के बाद पुलिस और नग्नता के साथ उनके बाल बच्चों तक को गाली देने का काम किया। ये हाउस अरेस्ट की शिकायत की आपने आयोग में? नहीं, हमें हाउस अरेस्ट नहीं किया। हमारे कजिन हैं जो टांडा के पूर्व प्रमुख हैं श्री लवकुश जी, उनको जो है जिस तरह से पुलिस ने उनके घर को चारों तरफ से घेर रखा, वो घर हमारा भी है, उनका भी है एक तरह से, उस घर को जिस तरह से घेर कर रखा, उससे इस बात का परिचय है दिया जा गया कि उन्होंने बड़े पैमाने पर जुल्म ज्यादती की। जो मुकदमा पंजीकृत किया, पहले तो कोई मुकदमा नहीं पंजीकृत किया, वो ठेकेदार हैं, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, स्कूल के मैनेजर भी हैं, GNM ANM के स्कूल के वो मैनेजर हैं, मालिक हैं। वो अपने विद्यालय से लौट कर घर पर आ रहे थे, रास्ते में चेकिंग लगी हुई थी, उनका बैग तलाशा गया, उसमें से 1 लाख रुपया प्राप्त हुआ, और वो 1 लाख रुपया 88,000 रुपया दिन में ही उन्होंने निकाला था बैंक से, और 10-12 हज़ार रुपया और पड़ा हुआ था, कुल मिलाकर 1 लाख, जिसके आधार पर उनको थाने ले जाया गया, वहाँ से रिसीविंग देकर उनको छोड़ा गया, जो नियमता है, कानूनन है। उसके बाद रात में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दबाव के बाद जिस तरह से सुबह पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा, करीब 1 ट्रक PSC, 200-300 पुलिस, थाना अध्यक्ष कलीगंज, CEO टांडा, एडिशनल SP अंबेडकर नगर सहित छापा मारने का काम किया। जैसे ऐसा लगता रहा कि वो बहुत बड़े मुलजिम हैं, जबकि वहीं भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो क्रिमिनल हैं, मोस्ट क्रिमिनल हैं, श्री कक्कू पांडे जी लगातार घूम रहे हैं। पुलिस ने उनको, जो प्रदेश स्तर के हिस्ट्री शीटर हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया। आशीष कुमार मिश्रा जी जो गोंडा के प्रमुख हैं, अपने मोबाइल से टांडा के तमाम लोगों को, विजय मणि यादव जी जो प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं बसखारी के, सुभाष यादव जो प्रधान हैं, इसके साथ साथ सुल्तान, राजा सुल्तान पटेल जी जैसे तमाम लोगों को टेलीफोन करके धमकी देने का काम किया, जिसकी भी शिकायत हम लोगों ने प्रशासन से किया, ऑब्जर्वर से किया, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि मुबारकपुर में भाजपा की फार्चूनर की एक गाड़ी पर कम से कम 10-20 लाठी हाकी सहित लोग लेकर निकले हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि ये मुबारकपुर और टांडा में भारतीय जनता पार्टी अशांति फैलाना चाहती। मेरा आप लोगों के माध्यम से प्रदेश अंबेडकर नगर की लोकसभा की महान जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो बिना डरे हुए 70-80% वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में कर रही है, जिसके लिए मैं उसका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और विशेषकर अनुसूचित जाति के लोगों का कि तमाम प्रलोभन के बाद उन्होंने धन बल को नकार कर, शराब को नकार कर पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, और मैं जिला प्रशासन से चाहूँगा कि वो इस बात को देखे कि किसी तरह से भी भाजपा के लोग इस तरह का कोई हरकत न करने पावे जिससे कानून व्यवस्था की धज्जी उड़े। अफवाह फैलवाई,
पूरे सोशल मीडिया पर आयोग में शिकायतें की, उसके बाद फिर उन्होंने इस बात का खंडन खुद किया। अब कह रहे हैं कि हमको प्रताड़ित करवा रही है भाजपा प्रशासन के जरिए। देखिए, सपा प्रत्याशी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, निरंतर उन्होंने जनता में अफवाहें फैला करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। अभी वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट नहीं किया गया, और जो कुछ भी कल रात से पिछले दो दिनों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे के पूरे अंबेडकर नगर में हर जगह शराब, पैसा और उसके साथ साथ डराना, धमकाना, गुंडों का इधर उधर जाना, गरीब कमज़ोर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, ये पूरे तरीके से पिछली तीन रातों से चलता चला रहा है। तमाम बार ECI की वेबसाइट पर कंप्लेन करने के बाद भी उस पर कोई हल नहीं निकला। कटका थाने में हिस्ट्री शीटर, जिनके ऊपर गुंडा एक्ट है, जिनको हटाया गया था, रेड कार्ड दिया गया था, वो खुले आम घूम करके वहाँ के गरीब लोगों के ऊपर दबाव बना रहे थे। टांडा अलीगंज क्षेत्र में पूरी तरह से टांडो मच रहा था, हर जगह पैसा, दारू, शराब हर जगह बांटा जा रहा था, और उसके साथ साथ इनके एक कार्यकर्ता कश्मीरिया पे पकड़े गए और पकड़ करके उनके पास से भारी मात्रा में पैसा बरामद हुआ और दिखाया गया सिर्फ 1 लाख, और उसके साथ साथ वो थाने गए, उनके अरेस्टिंग की कार्रवाई शुरू हो रही थी, और उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, किस दबाव में SO अलीगंज ने जो है उनको वहाँ से रिहा कर दिया, और उसके बाद जो है निरंतर ये कार्य फिर पूरी रात जारी रहा। उनके लोग आप ECI की वेबसाइट पे देखेंगे, मैंने नाम देते हुए, लोगों का नाम देते हुए बताया, चाहे वो टांडा क्षेत्र हो, कटहरी क्षेत्र हो, अकबरपुर क्षेत्र हो, जलालपुर क्षेत्र हो, हर जगह लग करके समाजवादी पार्टी के गुंडे हर जगह घूम करके लोगों को डरा धमका रहे थे, और उनको पैसा और शराब बांट करके प्रलोभन देने का कार्य कर रहे थे। और निश्चित रूप से SO अलीगंज ने ये जो कार्रवाई में स्थिरता दिखाई है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि वो पूरी तरह से इसके अंदर संलिप्त हैं, और मेरी मांग है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, तुरंत सस्पेंड किए जाएं। तो प्रशासन के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, जिला प्रशासन ने भी तो कार्रवाई नहीं किया। बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, और जब पूरा का पूरा हम लोगों ने ECI और ऑब्जर्वर्स को बताया सवेरे, तब जा करके कुछ हरकत हुई, और अभी तक भी मेरी जानकारी में अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया है जिसमें कुछ ठोस कार्य किए हों। और अभी भी आज दिन में भी हर जगह पैसे बट रहे थे, हर जगह जो है प्रलोभन देने का कार्य किया जा रहा था।